नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जुड़ी कॉन्सेप्ट में। साथियों, लास्ट जो सेशन था उसमें हमारा चल रहा था परमार राजवंश, और परमार राजवंश में हमने परमारों की एक शाखा थी, कौन सी थी? आबू। आबू की जो शाखा थी उसके बारे में क्या है, हमने अध्ययन किया था। इसके बाद हम आज की जो क्लास है उसमें हम जो परमारों की एक शाखा है जिसका नाम क्या है, मालवा शाखा, इनके बारे में क्या है अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने देखा था परमार राजवंश के बारे में कि ये जो वंश है इसकी चार रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? चार रियासतें थी, नहीं सॉरी, पांच रियासतें थी। परमार राजवंश है, इसकी कितनी रियासतें थी? पांच रियासतें थी। एक थी आबू मालवा, आबू मालवा वागड़ जालोर और किराड़ू। कौन सी? आबू मालवा वागड़ जालोर और किराड़ू, ये क्या थी? इनकी पांच शाखाएं थी, जिनमें से हमने जो देखा था ना जो सेशन था उसमें हमने जो ब्रांच थी आबू, आबू के बारे में हमने, आबू का जो इतिहास है वो क्या हमने देखा था। यदि हम आबू की बात करें तो आबू में परमार राजवंश की परवार जो परमार राजवंश है उसका क्या था, शासन था। परमार राजवंश में जो शासन था जिसका नाम क्या था, धूमराज। कौन था? धूमराज। ये जो धूमराज था, इस धूमराज ने आबू में क्या है, परमा इस जो धूमराज है इसे आबू के परमारों का आदि पुरुष कहा था। क्या कहा था? आदि पुरुष। किसे? धूमराज को। धूमराज को क्या बताया? परमारों का आदि पुरुष बताया है। उसके बाद अगला कौन था? उत्पल राज। उत्पल राज, उत्पल राज से जो परमार जो राजा है उनकी क्या है, वंशावली है वो क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो उत्पल राज से वंशावली क्या होती है, वंशावली प्रारंभ होती है। जो परमार है, परमारों की वंशावली है, आबू के परमारों की वंशावली किस शासक से शुरू होती है, उत्पल राज। उत्पल राज से क्या होती है, प्रारंभ होती है। उसके बाद हमने देखा था कि एक शासक था जिसका नाम क्या था, धरणी शाह। धरणी शाह, ये जो धरणी शाह था, ये धरणी शाह था, इसने अपने जो राज्य है राज्य को नौ भागों में बांट दिया था। कितने भागों में? नौ भागों में बांट दिया था। तो इसका जो राज्य है नव कोटि ग्रह, नव कोटि ग्रह किस नाम से क्या, फिर किस नाम से जाने वाला है, नहीं को नव कोटि मारवाड़, सॉरी ग्रह नहीं, नव कोटि मारवाड़ कहलाए। क्या किया था धरणी शाह ने, अपना जो राज्य था उसे चार नौ भागों में क्या कर दिया था, विभक्त कर दिया था, जिसकी वजह से क्या इसका जो जो राज्य है वो क्या कहलाने लगा, फिर नवकोटि मारवाड़ कहलाने लगा। फिर जो गुजरात का एक शासक था चालुक्य राजा जिसका नाम क्या था, मूलराज फर्स्ट। मूलराज फर्स्ट है, इसने क्या है, धरणी शाह के समय आबू पर क्या किया था, आक्रमण किया था। इस समय जो धवल राठौड़ है, धवल राठौड़ है वो क्या करता है, धरणी शाह को क्या देता है, शरण देता है। धवल राठौड़ को क्या है, शरण देता है। ये जो जानकारी है कि जो गुजरात का मूलराज फर्स्ट है वो आबू पर आक्रमण करता है, और जो आक्रमण करता है तो उसे जो शरण है, जो मूलराज है उसे क्या है, शरण, जो सॉरी धरणी शाह को शरण कौन देता है, धवल राठौड़ देता है। धवल राठौड़ देता है, ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है, हस्ती कुंडी अभिलेख। हस्ती कुंडी अभिलेख, ये जो अभिलेख है हस्ती कुंडी अभिलेख, ये कहाँ का है, पाली का। कहाँ का है, पाली का है। और यदि हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 997 ईस्वी का, कब का है, 997 ईस्वी का है। हस्ती कुंडी अभिलेख क्या बताता है, ये बताता है कि जो गुजरात का चालुक्य राजा था जिसका नाम क्या था, मूलराज फर्स्ट था, वो क्या करता है, वो धरणी शाह पर क्या करता है, आबू पर आक्रमण करता है। और इस समय जो धरणी शाह था उसे उसे शरण कौन देता है, उसे जो शरण देने वाला था उसका नाम था धवल राठौड़। और ये जानकारी देता है कौन सा, हस्ती कुंडी अभिलेख, वो क्या देता है जानकारी को बारे में बताता है। फिर इससे आगे जो शासक बनता है धरणी शाह के बाद में, वो देखने को मिलता है धंधुक। अगला शासक था वो कौन था, धंधुक। धंधुक, ये जो धंधुक था, धंधुक था, इसने गुजरात के जो चालुक्य राजा था, कौन, भीम फर्स्ट, धंधुक के समय गुजरात का चालुक्य राजा था, उसने क्या किया, आबू पर आक्रमण किया। किसने? भीम फर्स्ट ने। भीम फर्स्ट क्या करता है, आक्रमण करता है, कहां पर, इसके ऊपर, धंधुक के ऊपर। और इस समय जो धंधुक है वो किसके पास, भोज परमार है, उसके पास कहां चला जाता है, चित्तौड़। कहां चला जाता है, भोज परमार के पास। तो धंधुक है वो किसके पास चला जाता है, भोज परमार।
बोस पर मार कहां पर? चित्तौड़। बोस पर मार के पास कहां चला जाता है? चित्तौड़ चला जाता है। और उसके बाद जो भीम फर्स्ट है, जो भीम फर्स्ट है, भीम फर्स्ट ने विमल शाह को क्या नियुक्त कर दिया था? फिर जो आबू का भीम फर्स्ट है, भीम फर्स्ट क्या करता है? विमल शाह को, विमल शाह को क्या कर देता है? आबू का दंडपति नियुक्त कर देता है। आबू का दंडपति, नियुक्त कर देता है। आबू का दंडपति है, वो क्या कर देता है? इसे नियुक्त कर देता है। किसे? विमल शाह को। फिर जो ये जो विमल शाह है, विमल शाह ये क्या करता है? आबू में जो जो क्या बोलते हैं, आदिनाथ जी का जो मंदिर है, आबू में आदिनाथ जी का मंदिर है, जिसे ऋषभदेव जी का मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाता है विमल शाह। और इस जो विमल शाह है, विमल शाह की वजह से इसे किस नाम से जाना जाता है? विमल वसई, विमल वसई। कौन सा मंदिर? आदिनाथ, आदिनाथ मंदिर। इसे क्या है? विमल वसई है, इस नाम से क्या इसे जाना जाता है। फिर जो कर्नल जेम्स टोड है वो क्या कहता है? टोड है वो आदिनाथ मंदिर के बारे में कहता है कि ताजमहल के बाद, ताज महल के बाद भारत की दूसरी सबसे खूबसूरत इमारत है, दूसरी सबसे सुंदर इमारत। ये किसने कहा था? टोड ने, कर्नल जेम्स टोड है। वो क्या करता है? ये जो विमल वसई मंदिर है, इसके लिए क्या कहता है? फिर धनदुक है, धनदुक की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था लोही, लाहिणी, लोहिणी देवी। लोहिणी देवी है, लोहिणी देवी है, वो क्या करती है? लोहिणी देवी ने जो ये क्या थी, दंदुक की बेटी थी, इसने जो बसंतगढ़ है, बसंतगढ़ है, सूर्य मंदिर है, और बसंतगढ़ सूर्य मंदिर, और जो ये सरस्वती बावड़ी थी उसका क्या करवाती है? ये पुनर्निर्माण करवाती है। इसी ने जब सरस्वती बावड़ी का निर्माण करवाया, तो सरस्वती बावड़ी के निर्माण की वजह से इसे कि जो सरस्वती बावड़ी, उसे लोहिया या लाहिया, लाहियानी बावड़ी भी कहते हैं। फिर इसके बाद अगला जो शासक था धनदु के बाद, वो बनता है विक्रम, विक्रमदेव। कौन था? विक्रमदेव। विक्रमदेव है। विक्रमदेव में हमने क्या देखा था कि इसकी जो उपाधि थी, विक्रमदेव की हमने उपाधि देखी थी, वो कौन सी थी? महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर है। वो क्या थी? विक्रमदेव की उपाधि थी, उपाधि थी, क्या थी? महामंडलेश्वर। इसने क्या किया था? जो अर्णोराज है, अर्णोराज के खिलाफ इसने कुमारपाल चालुक्य की क्या की थी? सहायता की थी। किसके खिलाफ? अर्णोराज के खिलाफ किसकी सहायता की थी? कुमारपाल चालुक्य है, उसकी क्या की थी? सहायता की थी। फिर विक्रम के बाद में अगला जो शासक बनता है, वो बनता है धारावर्ष। कौन बनता है? धारावर्ष है वो अगला शासक बनता है। ये जो धारावर्ष है वो काइंद्रा के युद्ध में, काइंद्रा के युद्ध में क्या लेता है? भाग लेता है, युद्ध में भाग लेता है। ये जो काइंद्रा का युद्ध है, ये किस किस के पास बीच में होता है? एक तो गोरी वर्सेज मूलराज, मूलराज प्रथम। यहां मूलराज प्रथम थी, उसकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी? यानी सॉरी, मूलराज सेकंड। ये जो मूलराज सेकंड है, इसकी संरक्षिका थी, जिसका नाम था, इसकी जो माता थी, माता का नाम क्या था? नायिका देवी थी, जो कि क्या थी? संरक्षिका थी। और यदि काइंद्रा के युद्ध की हम बात करें, तो ये युद्ध कब हुआ था? 1178 में। कब? 1178 ईस्वी में क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था, जिसमें मूलराज की तरफ से कौन लड़ता है? आबू से कौन आता है? धारावर्ष आता है। केलन है वो कहां से आता है? नाडोल से आता है। और जो कीर्तिपाल है, कीर्तिपाल है वो क्या, कहां से आते हैं? जालोर से आते हैं। तो ये जो नायिका देवी है, नायिका देवी है, ये क्या करती है? मोहम्मद गोरी को क्या है? इस युद्ध में हरा देती है, इस युद्ध में हरा देती है। फिर जो ये जो धारावर्ष है, ये जो धारावर्ष है, धारावर्ष को ऐसा मानते हैं कि धारावर्ष है वो
एक तीर से एक साथ तीन तीन जो भैंसे हैं उनको क्या है भेद देता था। और इसकी यदि जानकारी की यदि हम बात करें कि भाई ये एक साथ तीन तीन भैंसों को भेद देता है, तो इसकी जानकारी के लिए इसकी क्या मिलती है, एक अचलगढ़ में क्या है कि इसकी धारावर्ष की मूर्ति मिलती है जो कि क्या ये जानकारी देती है। फिर जो दूसरे है जो पाटन का जो मंदिर है, पाटन सॉरी पाट नारायण का जो मंदिर है, पाट नारायण मंदिर है उसमें का एक अभिलेख लगा हुआ है, कब का 1287 का, 1287 का एक अभिलेख लगा हुआ है, वो अभिलेख भी क्या है ये जानकारी हमें देता है। फिर धारावर्ष के बाद में अगला जो शासक है वो कौन बनता है, प्रहलादन देव। प्रहलादन देव, ये जो प्रहलादन देव था, प्रहलादन देव है ये क्या करता है, ये धारावर्ष का क्या था, प्रहलादन देव है वो धारावर्ष का क्या था, छोटा भाई था। धारावर्ष का क्या था, छोटा भाई। क्या था धारावर्ष का, क्या था प्रहलादन देव है वो छोटा भाई था। फिर ये इसने क्या है प्रहलादनपुर नामक क्या बसाया था, एक नगर बसाया था। इसने एक नाटक की रचना की थी जिसका नाम क्या था, पार्थ पराक्रम योग विवाह है, पार्थ पराक्रम वैया योग, ये एक नाटक है। इस नाटक की जो रचना है वो किसने की थी, प्रहलादन देव है उसने की थी। फिर जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के समय जो प्रहलादन देव है वो क्या करता है, आबू की रक्षा करता है, किसके समय, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय, आबू की रक्षा करता है। आबू की रक्षा करने वाला कौन था, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय, वो भी कौन था, प्रहलादन देव था। फिर इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, सोम सिंह। ये जो सोम सिंह था ये धारावर्ष का क्या था, बेटा था, क्या था ये, धारावर्ष का पुत्र था, सन ऑफ धारावर्ष, धारावर्ष का क्या था ये, बेटा था। इसके समय वास्तुपाल और तेजपाल नाम से क्या थे, दो भाई थे। इन दोनों भाइयों ने क्या है एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था, नेमिनाथ मंदिर। तेजपाल के बेटे का नाम था लूणकरण, लूण सिंह, और जो इसी जो लूण सिंह है, लूण सिंह की वजह से जो नेमिनाथ जी का जो जैन मंदिर है इसे लूण वसई के क्या है नाम से जाना जाने लगा था। फिर जो वास्तुपाल की रानी थी, रानी का नाम क्या था, सुहाड़। वास्तुपाल की रानी थी, रानी का नाम क्या था, सुहाड़। ये जो सुहाड़ थी, सूडा सॉरी, रानी का नाम क्या था, सुहड़ा, सूडा। ये जो सूडा थी ये इसी की वजह से क्या है, ये क्या है जो देवरानी जिठानी के मंदिर के नाम से भी क्या होता है ये प्रसिद्ध होता है। फिर जो सोम सिंह है, सोम सिंह के बाद में अगला शासक बनता है कौन, प्रताप सिंह। कौन बनता है, प्रताप सिंह है, वो क्या बनता है, अगला शासक बनता है। ये मेवाड़ का जो जेतर सिंह था, जेतर सिंह से इसने क्या छीन ली थी, चंद्रावती है वो क्या है, छीन ली थी। तो जेतर सिंह से चंद्रावती छीनने वाला था वो कौन था, जो जेतर सिंह से क्या छीन ली थी, जेतर सिंह से चंद्रावती छीन ली थी, किसने, प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह ने क्या किया, जेतर सिंह से क्या छीन ली थी, चंद्रावती वो छीन ली थी। इसके बाद अगला जो शासक है वो आता है विक्रम सिंह, विक्रम देव है वो पीछे देख लिया था हमने, और ये कौन आता है अब, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, ये जो विक्रम सिंह है, कौन विक्रम सिंह है, ये इसके समय जो आबू के जो परमार थे वो रावल और महारावल, रावल तथा महारावल की क्या कर रहे थे, उपाधि धारण कर रहे थे, उपाधि
करते हैं। इसके समय क्या है, रावल और महारावल है उसकी क्या करते हैं, उपाधि धारण करते हैं। जालौर के जो सोनग्रा थे, जालौर के सोनग्रा चौहानों ने आबू के जो परमार थे उनसे जो उसका जो उनका जो पश्चिमी राज्य था, आबू का जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग था किसका, आबू का, आबू का जो पश्चिमी भाग था वो क्या है, इसे छीन लेते हैं। किसे, जो जालौर के सोनग्रा चौहान है वो क्या करते हैं, आबू का पश्चिमी भाग है वो क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। ये इसी के साथ जो आबू का जो परमार जो है, परमार वंश है वो क्या होता है, समाप्त होता है। और आज हम पढ़ेंगे मालवा का, मालवा का इतिहास, मालवा का इतिहास। यदि हम बात करें तो मालवा में भी किसका, परमार राजवंश था, उसका क्या था, शासन था। तो यहाँ किस कौन सा वंश था, वंश के लिए बात करें वाला में तो वो कौन सा था, परमार, परमार वंश कहा था, मालवा में कौन सा वंश था, परमार वंश था। फिर इसमें एक शासक का नाम देखने को मिलता है, वो था कृष्णराज। कौन, कृष्णराज। ये जो कृष्णराज था इसकी इसका एक अन्य नाम था, वो क्या था, उपेंद्र। अन्य नाम के यदि हम बात करें तो वो क्या है, उपेंद्र। कृष्णराज है, कृष्णराज का अन्य नाम क्या है, उपेंद्र है। इसके जो कृष्णराज था, कृष्णराज का एक बेटा था, बेटे का नाम क्या था, डंबर सिंह, डंबर सिंह है। डंबर सिंह ने क्या किया, वागड़ में जो परमार जो राज्य है उसकी क्या करता है, स्थापना करता है। वागड़ में परमार राजवंश उसकी स्थापना करने वाला कौन था, डंबर सिंह। तो इसके पुत्र ने, इसके पुत्र, पुत्र का नाम था डंबर सिंह, डंबर सिंह, डंबर सिंह ने, डंबर सिंह ने क्या किया था, डंबर सिंह ने वागड़ में, वागड़ में परमार वंश की क्या की, स्थापना। वागड़ में परमार वंश की स्थापना करने वाला कौन बनता है, डंबर सिंह बनता है। फिर मुंज परमार, अगला है वो कौन आता है, मुंज परमार। ये जो मुंज परमार है इसने मेवाड़ के जो शक्ति कुमार है, शक्ति कुमार पर क्या किया, आक्रमण किया। इसने क्या किया, मुंज परमार ने आहाड़ को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया और क्या कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसने, मुंज परिवार ने क्या किया, इसने मेवाड़ का शासक था जिसका नाम क्या था, शक्ति कुमार, शक्ति कुमार पर आक्रमण करता है, आहाड़ को नष्ट करता है और चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। इसने मेवाड़ के शक्ति कुमार पर आक्रमण किया, शक्ति कुमार पर क्या किया, आक्रमण किया, आहाड़ को नष्ट कर दिया, आहाड़ को नष्ट कर दिया, आहाड़ को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया तथा चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार। तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, किसने, मुंज परमार ने क्या किया, शक्ति कुमार है उस पर क्या किया, आक्रमण किया, और जो शक्ति कुमार पर आक्रमण किया, आहड़ है उसे क्या कर दिया, नष्ट कर दिया और चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इस समय जो धवल राठौड़ है, धवल राठौड़ ने शक्ति कुमार को क्या दी थी, शरण दी थी। धवल राठौड़ ने किसे, शक्ति कुमार को क्या दी थी, शरण दी थी। ये जानकारी एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है, हस्तिकुंडी अभिलेख। और वहीं जो धवल राठौड़ ने जो आबू में, आबू के जो परमार थे उसमें धनी शाह को शरण देता है, और यहाँ शक्ति कुमार है उसे भी कौन शरण देता है, धवल राठौड़ है। और इसकी जो जानकारी है वो अभिलेख है जिसका नाम क्या, हस्तिकुंडी अभिलेख। यानी कि जो धवल राठौड़ है वो जिस जिसकी सहायता करता है उसकी क्या है, डिटेल है वो क्या है, लिखता जाता है कि भाई हमने इसकी सहायता की, इसकी सहायता की, आगे भविष्य में हमारी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार जो शक्ति कुमार है, धवल राठौड़ ने इस समय जब आक्रमण करता तो इस समय धवल राठौड़ ने
राठौड़ ने शक्ति कुमार को शरण दी थी, जिसकी जानकारी हस्तिकुंडी ब्लेड अभिलेख से मिलती है। ये जो हस्तिकुंडी अभिलेख है कब का है, ये 997 ईस्वी का है। फिर ये जो मुंज कुमार था, ये क्या करता है, कर्नाटक के तैयब चालुके के खिलाफ क्या है, लड़ता हुआ मारा जाता है। किससे, तेलप जो है, तेलप चालुक्य है उससे क्या लड़ता हुआ मारा जाता है। तो किसके साथ, यह कर्नाटक के तेलप चालुक्य से, यह कर्नाटक के तेलप चालुक्य से लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन, मुंज पवार। मेवाड़ के शक्ति कुमार है, उस पर क्या करता है, आक्रमण करता है। इससे पहले हमने देखा था कृष्ण राज, ये जो कृष्ण राज है इसका एक अन्य नाम था, जिसका नाम क्या था, उपेंद्र। इसके पुत्र डंबर सिंह ने क्या किया, डंबर सिंह ने वागड़ के जो परमार शासक थे उसको, उनको क्या कर लिया था, सॉरी डंबर सिंह ने वागड़ में परमार वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। अगला शासक था मुंज पवार, मुंज पवार ने क्या किया, मेवाड़ के शक्ति कुमार पर क्या किया, आक्रमण किया, और शक्ति कुमार का जो आहड़ था, आहड़ को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आहड़ को नष्ट करने के बाद में इसने क्या कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। धवल राठौड़ है वो क्या करता है, शक्ति कुमार को शरण देता है, जिसकी जानकारी हमें मिलती है हस्तिकुंडी अभिलेख से। इस अभिलेख से, हस्तिकुंडी अभिलेख से मिलती है। फिर कर्नाटक का जो तेलप चालुक्य था उसके खिलाफ क्या है, लड़ता हुआ मुंज कुमार है वो मारा जाता है। फिर यदि हम इसके दरबारी विद्वान की बात करें, मुंज पवार के दरबारी विद्वान की बात करें, दरबारी विद्वान की यदि हम बात करें तो एक था जिसका नाम क्या था, हल्लायुद। हल्लायुद ये जो हल्लायुद ये था, ये हल्लायुद्ध था, ये इसने एक जो अभिधान रत्नमाला नाम से क्या लिखता है, ये पुस्तक लिखता है, किस नाम से, अभिधान रत्नमाला, किस नाम से पुस्तक लिखता है, अभिधान रत्नमाला है उसके नाम से क्या लिखता है, ये अभिधान रत्नमाला है उस नाम से क्या है, हल्लायुद्ध वो क्या लिखता है, पुस्तक लिखता है। फिर एक था जिसका नाम क्या था, परमगुप्त। परमगुप्त ये क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ये जो परमगुप्त था, परमगुप्त है जिसका दूसरा नाम क्या था, परिमल। परिमल, इस परिमल परमगुप्त ने क्या है, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, नव सहसांग चरित्र। पुस्तक का नाम क्या था, नव सहसांग चरित्र। नव सहसांग चरित्र है ये, कौन लिखता है, पद्मगुप्त या जो परिमल है वो क्या है, ये लिखता है। फिर एक था जिसका नाम क्या था, धनंजय, जिसने क्या लिखी थी, दस रूपक। इसने कौन सी लिखी थी, दस रूपक। धनंजय ने कौन सी लिखी थी, दस रूपक है उसकी क्या, उसकी रचना की थी किसने, धनंजय ने। और एक था जिसका नाम क्या था, धनपाल। धनपाल है उसने क्या लिखी थी, तिलक मंजरी। धनपाल इसने क्या लिखी थी, तिलक मंजरी। तिलक मंजरी की रचना करने वाला वो था, वो कौन था, धनपाल था। और दो धनंजय है उसने क्या से लिखी थी, धन रूपक लिखी थी। फिर यदि हम मंजू पवार की यदि उपाधि की बात करें तो इसकी क्या थी, कवि वर्षण। कवि वर्ष
उपाधि के यदि हम बात करें मुंज पंवार की, तो वो क्या थे? कवि वर्ष। कवि वर्ष है वो किसकी उपाधि थी? जो मुंज पंवार थे उसकी क्या थी? ये उपाधि थी। फिर जो यदि हम बात करें दरबारी विद्वानों की, तो हला हला युद्ध है उसने क्या लिखी थी? अभिधान रत्नमाला। पदम जो पदम गुप्त या परिमल है उसने क्या लिखी थी? नव शशांक चरित्र। एग्जाम में आई हुई है, पूछी हुई पुस्तक है कि पदम गुप्त की कौन सी पुस्तक थी? नव शशांक शशांक चरित्र। फिर धनंजय है, धनंजय ने कौन सी लिखी थी? दस रूपक। और धनपाल ने क्या लिखी थी? तिलक मंजरी। यदि हम मुंज पंवार की उपाधि की बात करें, तो इसकी उपाधि क्या थी? कवि वर्षल थी। क्या थी उपाधि का नाम? क्या था? कवि वर्षल था। उसके बाद एक जो इसका मुंज पंवार का छोटा भाई था, जिसका नाम क्या था? सिद्धराज, सिंधुराज, सॉरी सिंधुराज। यह है मुंज पंवार का। मुंज परमार, परमार का छोटा भाई था। किसका छोटा भाई था? ये मुंज पंवार है, उसका क्या था? छोटा भाई था। यदि हम इसकी उपाधि की बात करें, इसकी उपाधि थी, उपाधि क्या थी? नव सहसांग। नव सहसांग है वो उपाधि, वो किसकी थी? मुंज जो सिंधुराज है उसकी क्या थी? ये उपाधि थी। भाई किसका था? मुंज पंवार का था। मुंज का क्या था? छोटा भाई था। उपाधि की यदि हम बात करें, तो वो क्या है? नव शशांक है, वो क्या है? इसकी उपाधि है। फिर अगला जो शासक बनता है वो है भोज परमार। ये वही भोज परमार है जिसने त्रिभुवन नारायण मंदिर है उससे का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और मोक्कल ने क्या किया था? इसका पुनर्निर्माण। तो अगला शासक आता है वो कौन आता है? भोज परमार। भोज परमार, ये जो भोज परमार था, इसने क्या है? त्रिभुवन नारायण मंदिर है, या जिसे समीधेश्वर नारायण मंदिर है, उसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। कहां पर? ये चित्तौड़ में है। और जो मोकल है, मोकल क्या करता है? इसका पुनर्निर्माण करवाता है। जो इसलिए इसे क्या है? मोकल मंदिर, मोकल का मंदिर है, इस नाम से भी क्या जाना जाता है। तो इसने त्रिभुवन, त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवाया? निर्माण, मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? समीधेश्वर। समीधेश्वर मंदिर है, इस नाम से भी क्या इसे जाना जाता है। फिर यदि हम इसके बुक पुस्तकों की बात करें, भोज परमार है उसने क्या है? पुस्तकें लिखी थी। पुस्तकों की यदि हम बात करें, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? श्रृंगार मंजरी। क्या है? श्रृंगार मंजरी कथा, श्रृंगार मंजरी कथा। एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? श्रृंगार मंजरी कथा। एक दूसरी का नाम है क्रम शतक, कर्म शतक। यदि जो श्रृंगार मंजरी कथा है, यदि हम इसकी भाषा की बात करें, ये किस भाषा में लिखी गई है, तो इसकी भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। श्रृंगार मंजरी जो कथा है उसकी जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। जबकि जो क्रम शतक है उसकी यदि हम भाषा की बात करें, तो उसकी जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत है। भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर उसका निर्माण करवाया, जो कि कहां पर है? चित्तौड़ में है। फिर इसने क्या पुस्तक लिखी थी, जिसमें कौन सी है? एक श्रृंगार मंजरी कथा है, जिसकी भाषा की बात करें तो वो कौन सी है? संस्कृत है। एक है क्रम शतक, क्रम शतक की यदि हम भाषा की बात करें तो वो कौन सी है? प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। फिर इसने जो अपनी जो भोज परमार की राजधानी थी धारा नगरी, धारा नगरी में क्या है? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला है, उसका क्या करवाता है? निर्माण, उसकी क्या करवाता है? स्थापना करवाता है। जो कि किस मतलब लैंग्वेज कौन सी थी इसकी? संस्कृत पाठशाला थी।
तो इसने क्या है, अपनी राजधानी, राजधानी का नाम क्या था, धारानगरी। धारानगरी में क्या है, सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला है, एक अजमेर में थी और एक है कि ये करवाता है भोज परमार करवाता है मालवा में। तो ये संस्कृत की क्या थी, फिर जिसे इसकी दीवार है उस पर क्या है करम शतक और जो पारिजात मंजरी है उसकी क्या पंक्तियां लिखवाता है। कालांतर में क्या है, ये जो पाठशाला थी इसे इस पाठशाला को क्या है तोड़ दिया जाता है तुर्कों के द्वारा, और तोड़ने के बाद में जो कमाल कमाल मौला मस्जिद में क्या है इसे बदल दिया जाता है, इसे बदल दिया जाता है। तो इसने अपनी राजधानी, इसने अपनी राजधानी 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 का नाम क्या था, धारानगरी। धारानगरी में, नगरी में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला, पाठशाला की स्थापना की, जिसकी दीवारों पर, जिसकी दीवारों पर इसने करम शतक तथा पारिजात मंजरी मंजरी की पंक्तियां लिखवाई। कौन कौन सी, करम शतक और पारिजात मंजरी, उसकी क्या पंक्तियां वो लिखवाता है। कालांतर में क्या तुर्क है वो क्या है इस पाठशाला को तोड़ देते हैं, कालांतर में तुर्कों के द्वारा इस पाठशाला को तोड़ दिया जाता है, इस पाठशाला को क्या तोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर क्या एक मस्जिद का निर्माण किया जाता है जिसका नाम क्या था, कमाल मोला तथा यहाँ पर कमाल मोला नाम से मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। कमाल मोला है इस नाम से क्या है, वहां पर क्या मस्जिद है उसका क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। भोज परमार ने क्या है त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। पुस्तकों की यदि हम बात करें तो श्रृंगार मंजरी कथा जो कि संस्कृत भाषा में थी, और करम शतक है उसकी यदि हम भाषा की बात करें तो वो क्या थी, प्राकृत भाषा थी। अपने राजधानी धारावर्ष में क्या करवाता है, सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है, स्थापना की, जिसे के दीवारों पर इसने क्या किया, करम शतक और पारिजात मंजरी की क्या पंक्तियां लिखवाई। तुर्कों ने क्या है कालांतर में इस पाठशाला को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और यहाँ पर क्या है कमाल मोला नामक क्या है मस्जिद है उसका क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। कमाल मोला मस्जिद है उसका क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। फिर जो मदन मदन है उसने क्या की थी, ये पारिजात मंजरी है जो पुस्तक थी, एक पुस्तक का नाम आता है पारिजात मंजरी। ये जो पारिजात मंजरी है इसकी रचना करने वाले थे वो कौन थे, मदन थे, मदन ने की थी। और जो की क्या है अर्जुन और वर्मा के क्या थे, अर्जुन वर्मा है उसके क्या थे दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान। तो पारिजात मंजरी है इसकी जो रचना है वो किसने की थी, मदन ने। मदन है वो क्या करता है पारिजात मंजरी है उसकी क्या करता है, रचना करता है। उसके बाद ये यहाँ पे जो मालवा के जो परमार है उनका जो शासन है वो क्या होता है यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद आता है वागड़, वागड़ में परमार वंश। तो वागड़ का यदि इतिहास की हम बात करें, वागड़ का इतिहास
इतिहास, यदि वागड़ के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर जो परमार और वंश है उसकी जो स्थापना है वो कौन करता है? डंबर सिंह। कौन करता है? डंबर सिंह है। वो क्या करता है यहाँ पर, जो मालवा जो परमार वंश है वागड़ में उसकी स्थापना करता है। तो यहाँ पर यदि वंश की बात करें, वागड़ में वंश की यदि बात करें तो कौन सा वंश है? परमार वंश। और यदि हम इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी बताइए, यदि हम राजधानी की बात करें तो राजधानी थी अर्थुणा। अर्थुणा, ये अर्थुणा कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में जो अर्थुणा है वो क्या है, ये इसकी क्या थी? राजधानी थी। और हमने देखा था डंबर सिंह ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। तो डंबर सिंह वागड़ में परमार वंश की स्थापना की थी। किसने? डंबर सिंह ने क्या की थी? परमार वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। फिर एक आता है मंडलिक। मंडलिक, ये जो मंडलिक है ये पहाड़े पहाड़े में क्या करवाता है, मंडलेश्वर मंदिर है उसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। कहां पर? पहाड़ा पाणा हेड़ा। कहां पर? पाणा हेड़ा, सॉरी पहाड़ा नहीं, पाणा हेड़ा है। पाणा हेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण। मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया कहां पर? पहाड़े में। क्या पाणा हेड़ा में क्या करवाता है, ये मंडलेश्वर मंदिर है उसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। फिर इसके बाद जो आता है चामुंड राय। कौन? चामुंड राय। चामुंड राय ने क्या किया, इसने अर्थुणा में क्या है, मंडलेश्वर मंदिर है उसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। कौन? चामुंड राय। चामुंड राय, इसने अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का क्या करवाया, निर्माण। मंदिर का निर्माण करवाया कहां पर? अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाला था वो कौन था? चामुंड राय था। ये क्या है, इसके जो वागड़ में क्या तीन शासक है वो क्या है, मुख्य है, वो देखने को मिलते हैं। पहला डंबर सिंह, जिसने वागड़ में परमार वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। फिर जो मंडलिक है, मंडलिक ने कहा पाणा हेड़ा है वहां पर मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और जो चामुंड राय है, चामुंड राय है उसने क्या, अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर है उसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। और ये जो वागड़ वंश है, वागड़ का जो इतिहास है उसके बारे में क्या इतने देखने को मिलता है जो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पर जो परमार वंश है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इससे जो आगे है वो हम देखेंगे, प्रतिहार वंश। अगला जो वंश है, छोटा सा वंश है, कौन सा है, राजस्थान की दृष्टि से प्रतिहार वंश। हम क्या प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है एग्जाम की दृष्टि से जितना जो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान से रिलेटेड है वो क्या है, हम प्रतिहार वंश है उसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रतिहार में यदि हम बात करें तो प्रतिहारों में हम जो प्रतिहारों के जो मंडोर में प्रतिहारों का क्या मानते हैं, उत्पत्ति स्थल मानते हैं। प्रतिहारों के जो उत्पत्ति स्थल है वो कहां पर मानते हैं, मंडोर में। मंडोर में प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल माना गया है। जो प्रतिहार है, प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल है वो कहां पर माना गया, मंडोर में। तो हम देखेंगे जो मंडोर का इतिहास है, मंडोर का इतिहास,
यदि हम मंडोर के इतिहास की हम बात करें तो यहाँ पर वंश के यदि मंडोर में कौन सा प्रतिहार प्रत्यारों की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, मंडोर में होती है, तो मंडोर में किसका वंश था, प्रतिहारों का था। यहाँ पर क्या था, पहला जो शासक देखते हैं वो कौन था, हरिश्चंद्र, हरीश चंद्र। यदि हम हरिश्चंद्र की हम बात करें, ये जो हरिश्चंद्र है ये जो मंडोर के जो प्रतिहार हैं उनका क्या था, ये आदि पुरुष था। किसका, मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष, इसे मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है। कहा जाता है किसे, हरिश्चंद्र है उसे मंडोर के प्रतिहारों का क्या कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है। यदि हम इसकी उपाधि की बात करें, उपाधि की बात करें तो वो इसकी उपाधि है रालिद्र, रालिद्र। ये क्या इसकी उपाधि, राहलिद्धि, राहलिद्धि ये क्या है इसकी उपाधि है। राहलिद्धि का मतलब है कि ये क्या है, योग क्रिया में क्या है, निपुणता। राहलिद्धि इसकी उपाधि है और राहलिद्धि का मतलब होता है योग क्रियाओं में निपुण, योग क्रिया में निपुण। राहलिद्धि ये क्या है इसकी उपाधि है जिसका अर्थ होता है योग क्रियाओं में निपुण। ये क्या है, वेदों का क्या था, ज्ञाता था। हरिश्चंद्र वो क्या था, वेदों का ज्ञाता था, वेदों का क्या था, ये ज्ञाता था। फिर प्रतिहार जो अभिलेख है, प्रतिहारों के जो अभिलेख है, प्रतिहार अभिलेखों में इसे क्या बताया गया है, इसे ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया, इसे ब्राह्मण बताया गया है। प्रतिहार अभिलेखों में लेखों में इसे ब्राह्मण बताया गया। जो हरिश्चंद्र है इसे प्रत्यहार अभिलेख है उससे क्या है, उसमें क्या है, ब्राह्मण बताया गया है। फिर इसके क्या थे, चार बेटे थे। इसने जो चार इसके जो चार बेटे हैं, चारों बेटों ने क्या किया, मंडोर को जीता और यहां पर क्या है, परकोटे का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके चारों बेटों ने मंडोर को जीतकर, मंडोर को जीतकर परकोटे का क्या करवाया, निर्माण, परकोटे का निर्माण करवाया। परकोटे का क्या है, निर्माण करवाया था। यदि जो इसके यदि हरिश्चंद्र के जो चारों बेटे हैं, चारों बेटों की यदि हम बात करें तो चारों बेटों में कौन कौन है, एक का नाम है रज्जिल, रज्जिल है, भोग भट्ट है, रज्जिल भोग भट्ट, कथक और ददत्त। नाम बड़े ही अजीब है इनके। पहला बेटा जिसका नाम क्या है, रज्जिल, रज्जिल भोग भट्ट, रज्जिल है, भोग भट्ट है, कक्कक है, ददद है। इन्होंने क्या किया, ये जो चारों बेटे थे, रज्जिल है, भोग भट्ट है, कक्कक है और ददद है, इन्होंने क्या, चारों ने मंडोर को जीतते हैं और मंडोर को जीतने के बाद में क्या, परकोटे का क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। क्या, परकोटे का क्या करते हैं, निर्माण करवाते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इनसे पहले, हरिश्चंद्र से पहले शायद मंडोर में क्या है, जो प्रतिहार वंश है, प्रतिहार वंश है, इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। लेकिन क्या, मंडोर इस समय क्या इनके अधिकार में नहीं था। ये जो इसके बेटे थे हरिश्चंद्र के, वो क्या है, इसे जीत कर क्या करते हैं, अपने अंडर में लेते हैं। तो इस
हरिश्चंद्र के बाद में हम देखते हैं रज्जिल को। रज्जिल, ये जो रज्जिल था, रज्जिल है, यहां से क्या है, मंडोर के जो प्रतिहार है उनकी क्या होती है, वंशावली है, वो क्या होती है, प्रारंभ होती है। इनकी वंशावली वो कहां से प्रारंभ होती है, रज्जिल से वंशावली प्रारंभ होती है। जबकि जो परमार है, परमार आबू के जो परमार है, उनकी जो वंशावली है वो किससे होती है, उत्पल राज से, और रज्जिल से किसकी होती है, आबू जो मंडोर के प्रतिहार है उनकी क्या होती है, वंशावली शुरू होती है। तो इससे मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है, किससे, रज्जिल से। रज्जिल से क्या है, मंडोर की जो प्रतिहार है उनकी क्या होती है, वंशावली है, वो क्या होती है, प्रारंभ होती है। और उसके बाद रज्जिल के बाद में हम देखते हैं नाग भट्ट को। नाग भट्ट, ये जो नाग भट्ट है ये क्या करता है, इसने मंडोर मेड़ता है, मेड़ता में क्या अपनी जो राजधानी है, मेड़ता को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। नाग भट्ट है, इसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मेड़ता को राजधानी बनाने वाला था वो कौन था, परमारों की, वो था नाग भट्ट, जिसने क्या प्रतिहारों की राजधानी बनाया था। फिर इसी में जो एक तात के बारे में देखते हैं, नाग भट्ट में क्या है, एक जो तात है ये क्या था, नाग भट्ट का बेटा था, ये है नाग भट्ट का बेटा था, नाग भट्ट है। नाग भट्ट के बेटे का क्या नाम था, तात क्या था, इसका बेटा था। तथा ये क्या बन जाता है, सन्यासी बन गया। और इसे जो तात है, नाग भट्ट का बेटा क्या था, तात क्या बन गया, सन्यासी बन गया। और अपने जो भाई था, भाई भोज, भोज को क्या दे देता है, फिर मंडोर का क्या बना देता है, राजा बना देता है। तो ये तात है, ये क्या, नाग भट्ट का बेटा था, यह सन्यासी बन जाता है तथा अपना राज्य अपने भाई भोज को दे देता है, यानी कि भोज को क्या बना देता है, राजा बना देता है। कौन तात बेटा किसका था, नाग भट्ट का था, सन्यासी बन जाता है। सन्यासी बनने के बाद में अपना जो राज्य है, अपना जो साम्राज्य है, वो क्या है, अपने भाई को दे देता है, यानी कि जो भाई है उसे दे देता है, यानी कि भाई को क्या बना देता है, मंडोर का राजा कौन बन जाता है, फिर भोज बन जाता है। भोज के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, सिलुक। सिलुक, ये जो सिलुक है ये क्या करता है, इसने जो वल और तमनी है, वल व तमनी पर क्या कर लेता है, अधिकार, ये है वल व तमनी पर अधिकार कर लेता है। कहां पर, वल व तमनी है उस पर क्या कर लेता है, ये अधिकार कर लेता है। वल के राजा थे जिसका नाम क्या था, देवराज भट्टी से ही क्या करता है, ये छत्र छीन लेता है, क्या छत्र छीन लिया था। तो इसने देवराज भट्टी से
छत्तर छीन लेता है। वल के जो देवराज भट्टी है उसे क्या छीन लेता है, छत्तर छीन लेता है। वल और तिमणी पर क्या कर लेता है, अधिकार करने वाला था, वो कौन था, सिलुक था। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है कक्कक। कक्कक ये कक्कक वो कक्कक नहीं है, कौन, जो हरिश्चंद्र के जो बेटा था वो कक्कक नहीं है, ये जो कक्कक है ये अलग है। ये जो कक्कक है ये कौन सा है, ये दूसरा कक्कक है। इसने मुंडेर के जो मुंगेर का युद्ध हुआ था, मुंगेर के युद्ध में इसने वत्सराज प्रतिहार का क्या दिया था, साथ दिया था। किसे दिया था, वत्सराज प्रतिहार है उसका क्या दिया था, साथ दिया था। कौन से युद्ध में, मुंडेर के, मुंगेर के युद्ध में इसने, मुंगेर के युद्ध में वत्सराज का साथ दिया था। इसे मुंगेर के युद्ध में ये क्या करता है, वत्सराज है उसका क्या देता है, ये साथ देता है। वत्सराज प्रतिहार है उसका क्या देता है, ये साथ देता है। कौन का वो क्या देता है, साथ देता है। फिर यह व्याकरण ज्योतिष और जो काल ज्योतिष काव्य और तर्क का क्या था, ज्ञाता था। यह व्याकरण ज्योतिष काव्य तथा तर्क का ज्ञाता था। किसका, व्याकरण है, ज्योतिष काव्य और तर्क का क्या था, ये ज्ञाता था। कौन, कक्कक। फिर कक्कक के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, बाउक। बाउक ये जो बाउक है ये कक्कक का क्या था, बेटा था। ये है कक्कक का बेटा था। कौन, बाउक है, वो क्या था, कक्कक का बेटा था। मंडोर के जो विष्णु मंदिर है, मंडोर के विष्णु मंदिर है, इसमें बाउक की क्या प्रशस्ति लगी थी, कि किसकी, बाउक की क्या लगी हुई है, प्रशस्ति लगी हुई है। ये जो प्रशस्ति है ये 1837 की है, जो कि क्या है, मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास का क्या था, मुख्य स्रोत था। बाउक के जो मंडोर के प्रतिहारों का मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, कि मंडोर में जो विष्णु मंदिर है उसमें बाउक प्रशस्ति लगी हुई है। मंडोर के विष्णु मंदिर में, विष्णु मंदिर में बाउक प्रशस्ति कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है, बाउक प्रशस्ति लगी थी इसने, बाउक ने, सॉरी सॉरी, बाउक ने क्या किया, मंडोर के विष्णु मंदिर में बाउक प्रशस्ति लगवाई। बाउक प्रशस्ति वो लगवाई थी, कब की है ये, 837 की। ये जो बाउक प्रशस्ति है ये कब की है, 837 की है। और ये जो 837 की है, जो कि क्या बताती है, ये बाउक प्रशस्ति है वो मंडोर के प्रतिहारों का इतिहास बताती है, जो कि मंडोर के प्रतिहारों का इतिहास बताती है। मंडोर के प्रतिहारों का इतिहास बताने वाली प्रशस्ति है वो कौन सी है, बाउक प्रशस्ति है, जो किसने लगवाई थी, बाउक ने लगवाई थी मंडोर के विष्णु मंदिर में। कब की है ये, 837 की है, जो कि क्या बताती है, कि जो मंडोर है, मंडोर पर किसका जो शासन था वो किन का था, प्रतिहारों का क्या था, शासन था। और ये जो इतिहास की जानकारी देने का क्या है, एकमात्र मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत है, जो कि क्या करती है, इनकी जानकारी देती है। इसके बाद जो बाउक है, बाउक के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, कक्कुक। अगला शासक है वो कौन बनता है, कक्कुक। कक्कुक देख लिया, अब देखेंगे हम कक्कुक। कक्कुक ये जो कक्कुक है, यह भी किसका पुत्र था, यह कक्कक का बेटा था। किसका, कक्कक का पुत्र था। कक्कुक है वो किसका बेटा था, कक्कक का बेटा था।
इसने गटियाला में क्या है, दो अभिलेख लगवाए। इसने इसने क्या किया, इसने गटियाला में दो अभिलेख लगवाए। कहां पर गटियाला है वहां पर क्या लगवाए थे, दो अभिलेख लगवाए थे। पहला जो अभिलेख है, ए जो अभिलेख है, ए और बी, ए अभिलेख है, यह अभिलेख माता शिला माता की साल यानी कि जो जैन मंदिर है नामक स्थान पर है। एक जैन मंदिर है जिसे किस नाम से जाना जाता है, माता की साल, उस स्थान पर लगा हुआ है, जो कि किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में। पहला है यह अभिलेख, माता की साल, ये माता की साल क्या है, जैन मंदिर। माता की साल नामक जो स्थान है वहां से प्राप्त हुआ है, माता की साल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि प्राकृत भाषा में, कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। और जो बी अभिलेख है इसकी बात करें तो यह अभिलेख है वो खाखू देवल नामक स्थान से क्या होता है, प्राप्त होता है, जो कि क्या है, गणपति गणपति स्तंभ, जो कि गणपति स्तंभ पर लिखा हुआ है। भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, ये कौन सी भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। और दूसरा ये कौन सा, यह अभिलेख वो कहां से प्राप्त होता है, खाखू खाखू देवल नामक स्थान से क्या होता है, प्राप्त होता है। खाखू देवल है उस वहां से क्या प्राप्त होता है, जो कि जो जो कि गणपति स्तंभ पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और ये जो है ये क्या बताता है, इसमें जो मंडोर और जो गटियाला है, गटियाला से रोही रूप है, रोही कूप है, इसमें जो विजय स्तंभ लगवाए थे उसकी भी क्या है, जानकारी मिलती है। तो इसने मंडोर और गटियाला जो रोही रूप है, रोही कूप है, वहां पर क्या लगवाए थे, विजय स्तंभ लगवाए थे। किसने, ककुक ने, इसने मंडोर तथा गटियाला रोही कूप में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, किसका करा, विजय स्तंभ उसका निर्माण करवाया। और गटियाला है उसने भी क्या है, बाजार है उसका भी क्या करवाता है, ये निर्माण करवाता है। तो ककुक किसका बेटा था, ककुक का बेटा था। गटियाला में दो अभिलेख लगवाता है, एक अभिलेख है वो किसका, माता की साल जो जैन मंदिर है उस स्थान से प्राप्त होता है। भाषा की यदि हम बात करें तो प्राकृत भाषा थी उसकी। फिर दूसरा जो अभिलेख है वो कहां से, खाखू देवल नामक स्थान से प्राप्त होता है, जो कि क्या है, गणपति स्तंभ पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये जो ककुक है इसने मंडोर तथा गटियाला में रोही जो कूप है वहां पर क्या है, रोहिंस कूप है वहां पर क्या है, विजय स्तंभ उसका क्या है, निर्माण करवाता है। और यहाँ पर क्या करता है वो बाजार की भी क्या करता है, स्थापना करता है। इसी के साथ क्या है, ये प्रतिहार है उसका एंड होता है, और इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।